मैं तो कहता हूँ केजरीवाल ही जीते भाई, हर घर की सुविधा दे रखी उसने भाई। बीजेपी को वोट देंगे और बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी, देश को आज कहां से कहां पहुंचा दिया। बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया 10 सालों के अंदर। क्या करा कांग्रेस ने? कुछ नहीं करा कांग्रेस ने। पहले केजरीवाल बोलता था मैं तो कांग्रेस में जाऊंगा ही नहीं, अब वो सच चला गया, बच्चों की कसम खाया था। 17-18 के अंदर युद्ध भी हो सकता है इंडिया का। 422 तेज वोट आएंगे हमारे मिला के एनडीए के। कौन जीतेगा भैया? जीतने की तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली आ गया और दिल्ली ही जीतेगी। और मैं तो कहता हूँ केजरीवाल ही जीते भाई, क्योंकि देखो हर घर की सुविधा दे रखी है उसने, हर बहन बेटियों को सुविधा दे रखी है। किस चीज़ की? कि बस में जाएंगी फ्री, ठीक है, महीने का ऐसे करते 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 1000-1600 रुपये बनते हैं लड़की के, बनते नहीं बनते, ठीक है, इस चीज़ की सुविधा दे रखी है। अब एक योजना और लेके आ रहे कि 1000 रुपये हर महीने देंगे 18 साल की लड़की को, पता नहीं वो आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन वो बढ़िया हो जाएगा। बहन बेटियाँ बाहर थोड़ा कम रोजगार में ध्यान देंगी, जो घर बैठे बैठे हो जाए। फ्री के चक्कर में DTC काफ़ी लॉस में जा रही है। तो भैया एक बात हो, गरीबों को तो थोड़ा ना लॉस में दे रही है, गरीब है हमारे जैसे को देखो ना, अमीरों के पास उनके पास तो बहुत पैसा है, हमारे पे क्या कुछ नहीं है। जनता किसके लिए होनी चाहिए, गरीबों के लिए अमीरों के लिए? आप बताओ ना भैया, मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ, जिनके पास पैसा वो थोड़ा ना बोलेगा, वो तो ये कहेगा कि फ्री गलत कर रखा है, फ्री गलत कर रखा है, फिर सब कुछ ठीक अच्छा कर रखा है। गरीबों का इष्ट नहीं होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? हम तो अपने शुरू से बचपन से हाथ पे ही है, केजरीवाल जो है और आज जो है दोनों संगठन दोनों हो गए हैं, हम तो सिर्फ हाथ को ही वोट देंगे। यानी कि बीजेपी ने जो इन 10 सालों में कुछ काम करे हैं, आपको लगता है कि वो देश के लिए अच्छे हैं? देखो बीजेपी भी अच्छी है, हम उसके लिए गलती नहीं करें, लेकिन देखो दिल्ली में हमारे लिए तो भैया जी केजरीवाल और जी हाथ वाले ही है जो हमारे लिए सही है भाई, और उसके सिवा हमारे को कोई नहीं है बढ़िया बंदा। दिल्ली में आम आदमी होने के बाद आपको क्या लगता है कि मतलब क्या उन्होंने आपके लिए फ़ायदा करे? देखो हमारे लिए तो यहाँ पहले राजकुमार चौहान जी रहे, इतने सालों से हमारे बच्चों के लिए बहुत सुविधा करी, झूले पार्कों के जो बचाव है, नहीं तो और जगह जाओ सर पार्क भी। हाँ जी आप बोलिए। वो तो बीजेपी में गए राजकुमार चौहान, तो मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, भाई बीजेपी को वोट देंगे और बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी, देश को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है बीजेपी ने बहुत कुछ कर दिया 10 सालों के अंदर, आज हमारा देश कहाँ है, बहुत ऊपर है हमारा देश, 3rd-4th नंबर पर आ रहा हमारा देश आज के टाइम पे। कांग्रेस ने क्या कहा था, खुद के घर भरे, सोनिया गांधी खुद जमानत पे, उसका बेटा खुद जमानत पे बाहर निकला पड़ा है। बीजेपी ने जो बोला है कि मोदी जी ने कहा है कि जो ये 10 साल में काम हुआ है ये ट्रेलर है, आगे काम और करना, आपको लगता है कि काम इमारत बन पाएगी? बहुत कुछ काम होगा, जो ट्रेलर ही है वाक्य में ही, हकीकत में ट्रेलर है, बहुत कुछ काम करेंगे। इन्होंने करा क्या यार, 70 साल का देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, जापान को देखो कितना बम गिरे थे उसके ऊपर, हमसे बहुत पहले आगे पहुँच गया वो, और हम तो वहीं की वहीं पड़े हुए हैं अभी तक, कुछ ही नहीं हुआ हमारे लिए। तो बीजेपी ने 10 साल जो हमको जो शक्ति दी है, पावर दिया, देख लो दुनिया पैर छूती है मोदी जी के, क्यों छू रही है, पावर है हमारे पास, जब भी तो छू रही भाई, बेफालतू में कोई किसी का वो थोड़ी कर रहा है। लेकिन लोगों को ये लगता है कांग्रेस ने करा है, क्या करा है कांग्रेस ने? कुछ नहीं करा कांग्रेस ने, जब भी तो लोग बाग बीजेपी में आ रहे हैं दोबारा, इतने यूपी के अंदर कितनी गुंडागर्दी, सब कुछ खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया, लोग बाग खुद सिलेंडर हो रहे हैं वहाँ पे जा जाके। बीजेपी ने बहुत कुछ किया यार, आगे तो इतना करेगी बहुत ज्यादा, देश को कहाँ कहीं से कहीं पता नहीं कहाँ पहुँचा देगी देश को भाई, पहले दूसरे नंबर पहुँचा देगी। तो अभी जो मोदी जी ने देश की जो इकोनॉमी बढ़ाई है, काफी देश की जो इकोनॉमी बढ़ी है इन सालों में, आपको लगता है नंबर वन मोदी जी बना पाएंगे उसको? भाई बिल्कुल बना पाएंगे, जो बेचारा अपना घर छोड़ के बैठा पड़ा है वो क्यों बैठा पड़ा है, मोदी योगी क्या है, बहुत मतलब भगवान का रूप एक तरीके से इंडिया के लिए भाई, बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हैं, जो बेचारे छुट्टी नहीं लेते यार, उनकी माँ एक्सपायर हो गई, उन जब भी बेचारे गए हैं वहाँ पे काम पे, तो ये तो बेफालतू की बात है, कांग्रेस कांग्रेस ये बस बेफालतू की बात है, कुछ नहीं करना इनको। तो अभी जो काफी सरकारों का समूह बन रहा है इंडिया अलायंस, आपको लगता है कि इलेक्शन पे कुछ प्रभाव डाल पाएंगी या बीजेपी एक तरफा कर देगी? दबाव तो डालेगी, बस वही भड़काऊ भाषण देंगी, बेफालतू की बातें करेंगी, सारे इकट्ठे हो गए ना वो, पहले केजरीवाल बोलता था मैं तो कांग्रेस में जाऊंगा ही नहीं, अब वो सच चला गया, बच्चों की कसम खाया था, ठीक है, अब देख लो घुस गया उसके अंदर ही, कांग्रेस पार्टी के अंदर घुस गया, कसम खाई थी बच्चों की, वो तो झूठी कसम खाता है, इंटरव्यू झूठे झूठे देता है वो तो दुनिया भर के, तो उसके बोलते रहते लोग बाबा क्या पता नहीं क्या बोलता, कभी क्या बोलता, समझ रहे हो, योगी एक नंबर का आदमी है और मोदी देश को यही बचाएंगे भाई। अब देखना आगे युद्ध होने वाले हैं, देखते रहना आप क्या क्या होगा, अभी 17-18 के अंदर युद्ध भी हो सकता है इंडिया का, डर रही है, पहले तो कितना कितना आ जाती थी, मारती थी हमारे सेनाओं को पाकिस्तान, अब देख लो कोई बमबारी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा कहीं भाई, बिल्कुल बहुत बड़ा देश चल रहा हमारा। इस बार मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, आपको लगता है कि होगी 400 पार? भाई बिल्कुल 400 पार होगी, 422 तेज वोट आएंगे हमारे मिला के एनडीए के। इलेक्शन में इस साल जीतती है तो आपको बीजेपी से क्या उम्मीदें रहेंगी? भाई उम्मीदें तो हम खुद करेंगे यार, खुद कमाएंगे खुद खाएंगे यार, ठीक है, तो सरकार वो देश चलाएगी ना भाई, महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी धीरे धीरे यार, लोग बाग पहले हम 1500 में लग रहे थे, जब 400 का सिलेंडर आता था
ठीक है, आज के टाइम पे भाई 20-25 हज़ार से कम नहीं कमाता कोई भी, समझ रहे हो। और जिसको खाड़े को काम करना ही नहीं है वो तो करेगा ही नहीं यार, वो तो बोलेगा ही महंगाई हो गई महंगाई हो गई। फ्री मिल रहा है लोगों को, बसें फ्री मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा भाई फ्री में, कुछ नहीं चाहिए लोगों को। बस वही है कि दिल्ली वालों को तो फ्री में चाहिए बेफालतू का, फ्री में मिलने से कुछ नहीं होगा भाई, बुरा हाल हो जाएगा। ये तो जनता कह रहे हैं, आप चलते हैं आगे, तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।